कोरोना का कहर और असर क्रिकेट पर भी दिखा। मैनचेस्टर में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाने वाला पांचवा टेस्ट मैच रद्द करना पड़ा है। भारतीय टीम के सपोर्ट स्टाफ में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से फैसला एहतियात लिया गया। इस फैसले के बाद भ्रम की स्थिति तब बन गई जब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि इस मैच में भारत की हार मानी जाएगी और सीरीज 2-2 से बराबर होगी। बीसीसीआई ने इस पर एतराज जताया और बाद में तय पाया गया कि ये टेस्ट मैच रीशेड्यूल किया जाएगा। दरअसल भारतीय टीम के असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट को मैच से एक दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इससे पहले टीम के कोच रवि शास्त्री और सपोर्ट स्टाफ के कुछ सदस्य भी पॉजिटिव पाए गए थे। असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट के पॉजिटिव होने के बाद भारतीय टीम ने नेट सेशन को कैंसिल किया था और खिलाड़ियों को अपने अपने कमरे में रहने की ताकीद दी गई थी। भारतीय टीम के लिए थोड़ी राहत की बात यह है कि कोई खिलाड़ी पॉजिटिव नहीं पाया गया। मैच के दिन यानी आज सुबह टॉस के कुछ घंटे पहले ही खिलाड़ियों को टीम के व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आया कि मैच रद्द हो गया। इसके बाद ईसीबी यानी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के आधिकारिक बयान जारी करके कहा कि अब हो सकता है कि इस मैच को अब ये टीम इंडिया के फेवर में ना जाके इंग्लैंड के फेवर में जाए। बाद में इसमें करेक्शन किया गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।